नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में बात करेंगे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव देखा जा रहा है उसी के संदर्भ में लिखा गया है। तो देखेंगे कि अभी आखिर चर्चा का कारण क्यों बना हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और एक शब्द, एक नाम आपने अभी सुन रहे होंगे कुछ दिन से, मेजर कासिम सुलेमानी। आखिर थे कौन है, इनके बारे में भी बात करेंगे। किस तरह नीतियों दोनों देशों देश अपना रहे हैं, जो ईरान है और अमेरिका है, ये किस तरह से दोनों देश नीतियां अपना रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और अमेरिका ईरान के तनाव के बढ़ने के कारण अभी क्या है, उन पर भी बात करेंगे। और तनाव का, दोनों देशों के बीच तनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उस पर भी बात करेंगे। एक शब्द आप सुन रहे होंगे आजकल, इंटरपोल, इसके बारे में भी जानेंगे। इंटरपोल क्या होता है और इंटरपोल द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस कौन कौन से हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और इन इन दोनों के देश तनाव बढ़ रहा है, इसका पश्चिम एशिया पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है, और आपके भारत यानी कि हमारे प्यारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैप्स पर और इन दोनों देशों की स्थिति देख लेते हैं। हम अपने भारत की भी स्थिति देख लेते हैं। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें हमारा प्यारा देश भारत आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? और जूम करते हैं, हमें न दिखाने वाले सब कुछ दिखा दूंगा। श्रीलंका, ठीक है, ये श्रीलंका है, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पीओके वाले हिस्से से आपका अफगानिस्तान की सीमा लगती है, ठीक है, सबसे ज्यादा आपकी बांग्लादेश से सीमा लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान से। यहां से जैसे ही हम इस तरफ चलेंगे, ये है आपका ईरान, क्या है, ईरान, ठीक है। और ईरान के बारे में अगर हम बात करें, इसकी राजधानी है आपकी तेहरान, क्या है, तेहरान। इसके बाद अमेरिका चलें तो यह है आपका उत्तरी अमेरिका, यह आपका उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, महाद्वीप हो गए। इसमें यूनाइटेड स्टेट स्टेट की बात की जा रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करें अगर हम लोग, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है आपकी वॉशिंगटन डीसी, क्या है, वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है। चलते हैं हम लोग वापसी अपने आर्टिकल पर। वर्ष 2020 के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख और ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी सहित सेना के कई अन्य अधिकारियों को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर हवाई हमले में मार गिराया था। किसने, अमेरिका ने, ठीक है, 2020 के प्रारंभ की बात है। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। अमेरिका ने इसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम बताया था। तो वही जो ईरान है, इसने युद्ध का कारण माना था इसे। इस घटना के 5 माह बाद ईरान के एक न्यायालय ने ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी की हत्या करने बाद ईरान में आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने के आरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित 30 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की गई है। निश्चित रूप से ईरान का यह कदम पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव को बढ़ाने वाला है। अभी आपने कल ही परसों सुना होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है ईरान ने, उसी की बात की जा रही है। यहाँ एक शब्द आपने देखा है, मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, आखिर ये थे कौन। ईरान के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक कासिम सुलेमानी को मध्य पूर्व में सबसे शक्तिशाली मेजर जनरल के रूप में देखा जाता था। साथ ही ईरान के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी उनकी दावेदारी भी काफी प्रबल दिखाई दे रही थी। कमांडर सुलेमानी के विषय में यह कहा जाता था कि मौजूदा ईरान को समझने के लिए यह जरूरी है कि पहले आप कासिम सुलेमानी को समझें। कमांडर सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स IRGC की कुदस फोर्स के प्रमुख थे। विदित है कि बीते वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 1958 से कुदस फोर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे कमांडर सुलेमानी न केवल ईरान के लिए खुफिया सूचनाओं को एकत्रित करने और गुप्त सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला
अली खुमेनी से निकटता के लिए भी जाने जाते थे। कमांडर सुलेमानी ने ईरान के हालिया विदेशी अभियानों, मुख्य रूप से सीरिया और इराक में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सीरिया में बशर अल असद के शासन को बचाने और दोनों देश सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट आईएस को पराजित करने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। किनकी? सुलेमानी साहब की। ठीक है, ईरानी। किस तरह की नीतियों दोनों देश बना रहे हैं, अमेरिका और ईरान। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, अब आप खुद देख रहे हैं कि अमेरिका, अब वो अमेरिका शक्तिशाली अमेरिका नहीं रहा है। आप इस बात से भी परिचित हो चुके हैं, क्योंकि देखिए आप लोग कि अफगानिस्तान से पूरी तरह से मामला सुलटा नहीं है, वहां से अमेरिका पीछे हट रहा है। और जहां जहां से अमेरिका हट रहा है, वहां वहां से आपका चीन साहब जाके बैठ जा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका साहब की एंट्री वहां से हट रही है, जैसे ही चीन साहब जाकर पहुंच जाते हैं। आपने देखा है कि वहां का मामला ले लीजिए, अफगानिस्तान का, ईरान का मामला ले लीजिए, WHO का मामला ले लीजिए। जैसे ही अमेरिका ने पीछे पैर खींचे, चीन जाकर कुंडली बैल बनाकर बैठ गया। किस तरह नीतियों दोनों देशों के, अमेरिका और ईरान के बीच अपना रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति अपना रहा है। इसके लिए वह परमाणु समझौतों से बाहर आने, आर्थिक प्रतिबंध लगाने और ईरानी सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करने जैसे कदम उठा रहे हैं। अगर ईरान की बात करें तो अमेरिका के खिलाफ ईरान अधिकतम विरोध करने की नीति अपना रहा है। इसके लिए वह फारस की खाड़ी से निकलने वाले टैंकरों पर हमला करवाने, अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने और यमन में सक्रिय हाउथी विद्रोहियों को सऊदी अरब के खिलाफ समर्थन देने जैसे कदम उठा रहा है। अब इस समय आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी देश को कमजोर मत समझिए। उत्तर कोरिया को आपने देखा है, छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका झुक चुका है उसके सामने। 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां के राष्ट्रपति से, यानी कि राष्ट्र प्रमुख से मुलाकात की है। समझ रहे हैं आप लोग? अब मतलब वो देश खत्म हो चुके हैं कि एक शक्तिशाली दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अब हर किसी के पास परमाणु हमले हो चुके हैं, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। आप समझ सकते हैं कि इससे क्या होगा, कि कहते हैं ना कि हमारी पृथ्वी को 1,000 बार खत्म किया जा सकता है, इतने परमाणु बम हो चुके हैं धरती पर, हाइड्रोजन बम। समझ रहे हैं? तो अब कोई भी देश अगर एक गलती करता है तो उसका भुगतान पूरी दुनिया को, यानी कि पृथ्वी पर जो भी मनुष्य रह रहे हैं, जो भी देश है, सबको भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने के कारण क्या है? तनाव बढ़ने के कारण आखिर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु करार का रद्द होना। वर्ष 2015 में जर्मनी समेत संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों, P+5+1 और ईरान के बीच एक परमाणु समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करने और अपने परमाणु संयंत्रों में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों को पर्यवेक्षक की अनुमति देनी थी। इसके अलावा इस समझौते के तहत ईरान पर विनाशक हथियारों और मिसाइलों की खरीद करने पर रोक थी। अमेरिका ने समझौते के तहत ईरान को तेल और गैस के व्यापार और वित्तीय लेन देन उड्डयन और जहाजरानी क्षेत्रों में लागू प्रतिबंध में ढील देने के लिए तैयार था। लेकिन अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी इस समझौते के विरोधी में विरोध में थी। उनके चुनावी घोषणा पत्र में यह मंतव्य था कि यदि रिपब्लिक पार्टी सत्ता में आती है तो वे इस समझौते को रद्द कर देंगे। क्या कर देंगे? रद्द कर देंगे। इसी अनुसार ट्रंप प्रशासन ने इस परमाणु समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया। आपने देखा है कि इसी प्रकार उसने देखा कि वहां अमेरिका अफगानिस्तान से भी बात की थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आते हैं तो उसमें से निकल जाएगी, वहां की सेना अपनी हटा ली जाएगी। यहाँ जो P5 की बात की जाए, इसमें एक आपका जो अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस इसमें शामिल थे P5 में। ठीक है, एक ईरान इसमें शामिल था। ईरान पर प्रतिबंधों का आरोपण की बात करें तो ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर करने के उद्देश्य से अगस्त 2018 में अमेरिकी प्रशासन ने भी सभी प्रतिबंध पर फिर से उस पर लगा दिए जिन्हें परमाणु करार के तहत हटा लिया गया था।
अमेरिका का मानना था कि आर्थिक दबाव के चलते ईरान नए समझौते के लिए तैयार हो जाएगा, अपनी हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगा देगा। आईआरजीसी को आतंकी संगठित घोषित करना। अमेरिका ने बीते वर्ष ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स अर्थात आईआरजीसी को आतंकी संगठन घोषित किया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश की द्वारा किसी अन्य देश की सरकारी सुरक्षा एजेंसी को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। अमेरिके के इस कृत्य का जवाब देते हुए ईरान ने भी अमेरिकी सेना को आतंकी समूह करार दे दिया है। एक बात आप लोग हमेशा समझिए कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, पता नहीं इन्हें अगर रात में कुछ आ जाए मन में तो सुबह तक मालूम चला कि ये हो चुका है। इनके जो मन में आता है ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे मुझे लगता है सबसे बेटर उपयोग करता है ट्विटर का डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि कोई भी जानकारी देना है ट्विटर पर उन्होंने मैसेज लिखा तुरंत फैल गई। ठीक है, तो अब उनकी बातों को लोग सीरियसली भी नहीं लेते हैं कि मतलब अब तो वो बोलते रहते हैं कुछ भी। तनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें कि कब से ये तनाव दोनों देशों के बीच देखा गया है। वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले यस पहले का शाह मोहम्मद रजा पहलवी द्वारा शासित ईरान किसी भी मायने किसी यूरोपीय देश से कम नहीं था, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में नए नेता आयातुल्ला रोहुल्ला खुमैनी का आगमन हुआ, जो इस्लामिक क्रांति से पहले तुर्की, इराक और पेरिस में निर्वासित जीवन जी रहे थे। वायसराय पहलवी के नेतृत्व में ईरान के पश्चिमीकरण और अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता के घोर विरोधी थे। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को आपदस्थ यानी कि पद से हटाकर शाह पहलवी को सत्ता सौंप दी थी। ईरान में हुई वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वहां रूढ़िवादिता ने अपने पैर पसार लिए और खुमैनी की उदारता में भी अचानक से परिवर्तन आया। उन्होंने विरोधी आवाजों को दबाना शुरू कर दिया और इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान को लोकतांत्रिक आवाज कहीं खोसी गई थी। इस क्रांति के तत्काल बाद ईरान और अमेरिका के राजनीतिक संबंध समाप्त हो गए। राजधानी तेहरान में ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। माना जाता है कि इसमें खुमैनी का भी मौन समर्थन था। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर से शाह पहलवी को ईरान वापस भेजने की मांग की थी, जो इलाज कराने न्यूयॉर्क गए थे। क्रांतिकारियों ने अमेरिकी बंधकों को तब तक रिहा नहीं किया जब तक कि रोनाल्डो रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन गए। इस दौरान शाह पहलवी की मिस्र में मौत हो गई और खुमैनी ने अपनी ताकत और धर्म केंद्रित कर लिया। अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमला। हॉर्मुज की खाड़ी में 4 अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमला किया गया। अमेरिका को लगता है कि यह हमला ईरान ने कराया है, लेकिन ईरान ने इस आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने इस क्षेत्र में अपनी स्थिति और मजबूत करने के उद्देश्य तकरीबन 1500 और सैनिक भेजने को का निर्णय लिया। सऊदी अरब अरामको पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन हमला होता है। सितंबर 2019 को सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के दो बड़े क्षेत्र अबकीक और खुरेस पर भयानक ड्रोन हमले हुए, जिसके चलते अस्थायी तौर पर इन दोनों जगहों पर तेल उत्पादन प्रभावित हुआ। सऊदी अरब ने इस हमले का आरोप ईरान पर लगाया। अमेरिका ने भी इस हमले का आरोप ईरान पर मढ़ा और कहा कि उसके पास इस बात का प्रमाण है कि यह हमला ईरान द्वारा कराया गया था। हालांकि ईरान ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं इस हमले का आधिकारिक उत्तरदायित्व यमन के हाउती विद्रोहियों ने लिया था। गौरतलब है कि यमन के हाउती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। एक शब्द आप सुनते हैं इंटरपोल, क्या है आखिर? इंटरपोल का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग का कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है। वर्तमान में इंटरपोल में 194 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय आपको फ्रांस के लियोन में शहर में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इंटरपोल द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस। कौन कौन से नोटिस जारी किए जाते हैं? पहला है आपका रेड कॉर्नर नोटिस। यह नोटिस सभी इंटरपोल सदस्य देशों को संदिग्ध को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है ताकि उनके खिलाफ प्रत्यारोपण की कार्रवाई शुरू की जा सके। येलो कॉर्नर नोटिस लापता नाबालिगों को खोजने या उन व्यक्तियों को पहचान करने जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हैं
में सहायता प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। ब्लैक कॉर्नर नोटिस आज्ञा सभाओं की जानकारी लेने के लिए ये जारी किया जाता है। ग्रीन कॉर्नर नोटिस किसी ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करना जिसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है। फिर आपका ऑरेंज कॉर्नर नोटिस किसी घटना व्यक्ति वस्तु या फिर प्रक्रिया को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर और आसन्न खतरा मानकर चेतावनी देने के लिए जारी किया जाता है। पर्पल कॉर्नर नोटिस अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों प्रक्रियाओं और वस्तुओं उपकरणों या फिर उसके छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ये जारी किया जाता है। फिर आपका ब्लू कॉर्नर नोटिस यह नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के लिए जारी किया जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है इसका पश्चिम एशिया पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि यह तनाव सैन्य संघर्ष में तब्दील होता है तो इस तनाव का सबसे अधिक प्रभाव पश्चिम एशिया पर पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की सोच सीमित सैनिक संघर्ष के माध्यम से ईरान से अपनी मांग मनवाने की है, जो कि भ्रामक है। यदि अमेरिका ईरान पर कार्रवाई करता है तो संभव है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। यदि ईरान भी सैन्य कार्रवाई करता है तो वह अमेरिकी सहयोगियों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा इजराइल में स्थित अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा, जिससे पूरा खाड़ी देश क्षेत्र व पश्चिम एशिया संघर्ष का मैदान बन सकता है। इसके साथ ही यदि ईरान हॉर्मुज जलसंधि को भी बाधित करने का प्रयास करता है तो खाड़ी देशों पर निर्भर कई देशों में तेल का संकट गंभीर रूप से ले सकता है। जब तेल भंडार की बात आती है तो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ स्थायी भंडारण कर लिया जाता है, इसी डर से कि कहीं आप इनका खाड़ी देशों के साथ किसी तरह का रोक हुई तेल की तो हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है वो चलती रहे। अगर हम भारत की बात करें तो अमेरिका व ईरान का हालिया घटनाक्रम भारत के हितों को खासा प्रभावित कर सकता है। ज्ञात है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक उपभोक्ता है सॉरी, और जो अपने कच्चे तेल की अपनी 80% से अधिक यानी कि 80 से 85% तक वह और प्राकृतिक गैस की 40% जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है, यानी कि दूसरे देशों पर निर्यात मतलब आयात करता है दूसरे देशों से। ठीक है, हमारे पास इतना कच्चा तेल नहीं है और प्राकृतिक गैस नहीं कि हम अपनी पूर्ति कर सकें, इसलिए हम 80 से 85% और 40% गैस प्राकृतिक गैस भी आयात करते हैं। हालांकि भारत लगातार तेल सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, परंतु विगत कुछ वर्षों में तेल का घरेलू तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन काफी धीमा रहा है, जिससे देश और अधिक आयात पर निर्भर हो गया है। ऐसे में तेल बाजार को प्रभावित करने वाला कोई भी घटनाक्रम भारत पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। भारत के समक्ष एक राजनीतिक चुनौती भी उत्पन्न हो गई, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसे विश्व के दो महत्वपूर्ण देशों में किसी एक का चुनाव करना पड़े, जहां एक ओर भारत अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहेगा, वहीं ईरान भी पश्चिम एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। ऐसे में क्षेत्र में अशांति का माहौल भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है। आपने सुना होगा ईरान में भारत चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव के कारण इन दोनों देशों में रहने वाले क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों को भी प्रभावित करने वाला है, क्योंकि कोई भी तनावपूर्ण परिस्थिति उनके जीवन को जोखिम में डाल सकती है। तनाव के कारण कई सारे भारतीय लोगों को इस क्षेत्र में से सुरक्षित निकालना पड़ेगा। खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय अपने सगे संबंधियों को करीब प्रतिवर्ष लगभग 40 अरब डॉलर की मुद्रा रेमिटेंसेस के रूप में भेजते हैं। यदि मध्य पूर्व में किसी भी प्रकार का संघर्ष होता है तो भारत को इसका आर्थिक खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, और वैसे भी भारत की हमारी स्थिति भी खासा अर्थव्यवस्था की हालत बड़ी बुरी चल रही है। वैसे तो सभी देश आपने देखा है कोरोना वायरस आया हुआ है, सभी देश प्रभावित हुए हैं, फिर चाहे आपका अमेरिका ही क्यों ना हो, अमेरिका तो सबसे ज्यादा बुरी हालत में अभी आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा केस वहीं देखे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा देख रहे हैं आप लोग मौतों में भी, अर्थव्यवस्था में भी देख रहे हैं आप लोग। चलिए तो ठीक है,